हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सुबह के बजे 8 हो। अभी मैंने छोड़ दिया अंशु को उसको स्कूल में और अब चल रहे हैं घर की तरफ। यार व्लॉग यहाँ से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि आंखें नहीं खुलती थी रास्ते। यार मन ही नहीं कर रहा था व्लॉग स्टार्ट करूँ, सूजी हुई थी आँखें और बिना कुछ खाए पे आ गया था मुँह धोते ही बस। अभी फिलहाल निकल रहे हैं घर के लिए, पहले पियेंगे चाय। यार भोले बाबा के गाने सुनो, बढ़िया बढ़िया, आप भी सुनो। अंशु को छोड़कर आ गया हूँ लेकिन अब ये नहीं पता वापस उसे लेने कब जाना है, गेम कब खत्म होगा। वैसे टाइम होता है 1:30 बजे का और अभी चल रहा था पीछे फ्लाइंग बीस्ट का ब्लॉग जो जॉनी रैम से मिलने गया था, वो भी देख लिया है। फिलहाल भाई घर में हो रही सफाई, पूरा घर फैला हुआ है। आज नंबर है वॉशिंग का क्योंकि दीवारें वार साफ हो गई, सबको लाइट वाइट लगा दी, अब बस वॉश कर रहे हैं। तो पूरे घर में बस अब देखो क्या क्या हालत हो रही है। अब जो हमारे जो बेड है ना वो तहखाने होते हैं, उनमें से निकला इतना सारा हमारा खजाना। ये खजाना एक यहाँ है, उस वाले को साफ कर दिया, बाकी तो सब कुछ निकाल देंगे, साफ कर देंगे। कल रात को क्या हुआ था, मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और मोनिका की तबीयत तो खराब हो गई थी। सुबह पता लगा कि मम्मी को भी बहुत सारी उल्टी वगैरह हुई थी और पूरी रात मम्मी मतलब परेशान रही। हमें तो सुबह पता लगा वो तेरे तो पहले से हो रहा होगा। इसका वजन 15 किलो है, 17 आपका कितना है? चलन नहीं वजन करवा के अपना। चल मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन होगी, पेट में मतलब मरोड़े से मार रहे हैं और पता नहीं ऐसा क्या खा लिया हमने रात को। फिलहाल तो अभी रोटी खा रहे हैं। आज खाने में हमारे लंच में कढ़ी और साथ में रोटी, और नहीं खाऊंगा उसमें ना, बस दो ही खाऊंगा क्योंकि पेट मुझे अलाउ नहीं कर रहा ज़्यादा कुछ खाने का। ये मैं ट्राई कर रहा हूँ खा के कि सब कुछ ठीक रहता है तो फिर देखेंगे, वरना दवाई ववाई ले लेंगे। अभी कोई दवाई नहीं ली है और मम्मी को बहुत तेज़ बुखार आ गया है, मम्मी सो गई हैं दवाई खा के। शायद कल कुछ ऐसा खा लिया हमने सबने मिला के, कुछ था ऐसा पता नहीं लग पा रहा क्या खाया हमने, किस चीज़ से हुआ है। तो तीन लोग तो हम मतलब बीमार हो चुके हैं उनसे। फिलहाल तो खाना खा लेते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। बुखार चढ़ने का लेकिन मुझे महसूस हो रहा है अंदर से, ऊपर आया था ना, सोचा व्लॉग को एडिट कर लें, रात को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी या मतलब हिम्मत ना रहे तो एडिट नहीं कर पाऊँगा। थोड़ी देर लेटा, नींद नहीं आई, अब एडिट कर रहे हैं व्लॉग को और शाम के 6:30 बज चुके हैं। अभी देखो तबीयत कैसी रहने वाली है। और जो ये नहीं है हन्नी के कुछ से खिलौने हैं जो टूट गए हैं, खराब हो गए हैं, इन सब को हम बेच देंगे, कबाड़ी को दे देंगे। और जो इसमें रखे हुए हैं ये भी खराब है, ओके इसको भी रख दो। और जो इसमें रखे हुए हैं ये वाले ठीक खिलौने हैं इसके। आज धनतेरस है और आप सभी को भाई धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इधर देखो मम्मी लगा रही है दिए क्योंकि आज के दिन भी दिए जलाते हैं। पंखा बंद कर दिया दी, दिए नहीं जल रहे। सो भी हमने इसमें लिए हैं 3, 7 दिए लिए हैं और ये 7 दिए जलाएंगे हम। ऐसे नहीं करते गंदे बच्चों की तरह करते हो आप। चलो दिए लगाओ नहीं, चलो माँ के साथ गेट खोलो। चार दिए जला दें घर के बाहर, एक लगा दिए अपने पैड़ी पर और एक हम यहाँ रखते हैं पेड़ों के पास पास। हाँ ये हो गया। तू ले जाएगी? नहीं बेटा, नहीं ले जाएगी। छह दिए लग गए नीचे और एक भाई अपने रूम के पास पे लगाएंगे। ये अपना एडिटिंग रूम है, यानी अपना बेडरूम है ये। ये आपका रूम है इसलिए लगाएंगे यहाँ पे। टॉयज हाँ लगा देंगे, आ जाओ चलो नीचे। धनतेरस के दिन भाई शॉपिंग करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ बर्तन जरूर खरीदते हैं। ये तो बिल्लू मामा का है। हाँ। बिल्लू मामा आपने अपने लिए, अपने लिए ये तो हमारा है। नहीं एक है। एक है? हाँ। ओ नहीं जब कोई नीज हुआ था और ये चाची था, ये तो भी चाची था। सबके बांट दिए इसने, अपने घर के मेंबरों में भी एक भी नहीं बताया, बाकी इसने बाहर सारे बांट दिए। निधि का कर दिया, कपिल का कर दिया, अपने मामा का कर दिया, मामी का कर दिया, हमारे घर में नहीं बैठे बस।
हम किसमें पियेंगे? माँ का कौन सा? तूने सब खत्म कर दिया, माँ का तो एक भी नहीं आया। ओके ना तो जो बेटी कटोरी में लिया है नहीं, जो ना पी में वैसे कफों में बढ़िया रहे, और हाथ ऐसे पकड़ेंगे तो ये चलेगा नहीं, गर्म नहीं। एक इससे बड़े थे वो, इतने बड़े थे वो, तो मग तो मग तो है हमारे पास। हाँ नहीं ऐसे जो गर्म ना हो, इतने बड़े थे नहीं। मैं चाय डालने में नहीं लगा कि हाथ धकप दिया है। लाए तो आप हो पर ये तुम्हारे है ही नहीं, किसके लाए हो? हाँ इसे तो भाग दिए सारे। तो मेरा एक कपिल चाचू है, एक कोमल चाची है, तीन तो वहीं चले गए पर लेकर। और दोनों मम्मी अपने कप में पीएंगी। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है व्लॉग एडिट करने की, अंदर से जो बुखार है ना चढ़ने लगा है। मैंने दवाई ले ली है, दूध भी पी लिया है, और बहुत तेज नींद आ रही है। आंखें मतलब बिल्कुल ऐसी होगी भारी, पलके बिल्कुल हैवी हो रखे हैं इस टाइम, मतलब नींद को लेके। अभी इसको बस रेंडर कर रहे हैं, अपलोड सुबह करेंगे, क्योंकि शरीर में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अभी आधा एक घंटा बैठूं, इसको वेट करूं, उसके बाद अपलोड करूं। तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ के काम कर लेंगे, और हर सुबह अंशु को भी छोड़ के आना है स्कूल, और उसको कल भी गेम है, उसका मैच है। तबीयत ठीक रही तो जाऊँगा, वरना तो मेरा तो कैंसिल है। जैसे भी जाएगी ऑटो से या भाभी छोड़ेंगे स्कूटी से, वो देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।